सो यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सभी सभी लोग। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में जिन्होंने यार भी माइनक्राफ्ट में फर्स्ट टाइम मतलब कि नेदर पोर्टल में कदम रखा था। तो देखते हैं यार भी उनका रिएक्शन क्या होता है। बट यार भी उनका वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अपन क्या कहते हैं 9000 सब्सक्राइबर की खुशी मना लेते हैं। सब तालियां बजाएंगे एक बार यार भी कि 9000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस 10000 भी जल्दी करा दो यार भी, मजा आ जाएंगे 10000 के बाद। एंड गाइस 10000 जैसे ही होंगे तो मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको बता दूंगा एंड उसी के साथ फेस रिवील भी इंस्टाग्राम पर हो जाएगा। तो जाइए फटाफट से 10000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। अगर जो भी चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना एंड इस वीडियो को भी लाइक मार देना। चलिए बिना किसी टाइम थोड़ा फटाफट से इंट्रो लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं लाइव इंसान का रिएक्शन जब वो नेदर पोर्टल में गए थे। तो देखते हैं फटाफट से इनका रिएक्शन। एंड गाइस जो भी लाइव इंसान का फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना गाइस एंड इस वीडियो को भी लाइक मार देना एंड नीचे कमेंट में लिखना #liveinsan। फाइनली लाया हूँ मैं 1000 करोड़ साल के बाद ऑब्सीडियन। अब मैं लगा रहा है यहाँ पे नेदर पोर्टल। किधर बनाऊँ? यहाँ पे बनाते हैं। आई डोंट थिंक सो ये सही बना है। मैंने क्या बना दिया ये? अभी इसको फिर से तोड़ने में 1 और साल लगाओ यार। ऐसे ऐसे ये पत्थर को ऐसा लगा दूं अगर मैं, प्लीज मेरा लाइटर घर में अंदर पड़ा हुआ है, प्लीज प्लीज चल जाइयो, मैं रो दूंगा, मेरे आंसू। अरे ये क्या हो गया, आग की लग गई इस पे? ये तो नहीं होना चाहिए था, लोगों का पोर्टल चल जाता था, मेरा क्यों नहीं चल रहा? रुक जाओ, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है। मुझे कुछ ही नहीं पता है मुझे क्या करना है। या एंड या, दिस इज करेक्ट, यस आई हैव डन इट। ए फाइनली यस यस यस, आग लग जाए पूरी दुनिया को, मेरे को नहीं। ओके गाइस, तो आई एम गोइंग टू नीदर टू गेट सोल सैंड एंड अगर ब्लेज भी मिल जाए। ब्लेज क्या होता है? ब्लेज मुझे नहीं पता। ये वी नीड टू गो डीपर। ये बॉय, ये बॉय, सोल सैंड मिली। यही होती है ना सोल सैंड। मैं सोल सैंड लेने आया था, मेरे को ये क्या है भाई, ये ब्लू क्या है? आग तो नहीं है ये? अरे सुअर। ओ भाई 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 भाई, मेरे पीछे आ गया। इसको गोल्ड नगेट मेरे पास अंदर पड़ा हुआ है। हेलो, डू यू ऑनेस्टली थिंक, हां, वू यू वांट गोल्ड? सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं बिश्वो शुभ के बारे में। गाइस ये भी नेदर पोर्टल में जाने से पहले थोड़ा बहुत घबराए हुए थे गाइस। तो देखते हैं इनका रिएक्शन क्या होता है। अगर गाइस बिश्वो शुभ के ऊपर फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को भी लाइक मार देना एंड नीचे कमेंट में लिखना #bishwoshubh। लेट्स गो। ओए नो, मैंने एक गलती और कर दी, मेरे को ये ब्लॉक्स ना जमीन के अंदर रखने तो थोड़े से। आए हाय, ओके मेरे को इसे वैसे भी थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो मैं इसे चेंज करूंगा आराम से, लेकिन उससे पहले यार प्लीज मुझे चढ़ने दो यार, मतलब कभी हद ही कर दी। चलो ये सीढ़ी बना लेते हैं, लेट्स गो। ऐसे ही चले जाते हैं, कोई बात नहीं। ओके तो मैं एक्साइटेड हूँ, मेरा नेदर पोर्टल कैसा होगा, मैं कहाँ पे आऊंगा? ओए वी नीड टू गो डीपर। मैं तो बहुत ओपन जगह पे आया हूँ भाई साहब, मस्त आग लगी पड़ी है यहाँ। वो मशरूम्स, लेकिन ये मशरूम इकट्ठे करने थोड़ी आया हूँ मैं इतनी दूर। ओ तेरी, ये क्या हो रहा है? प्लानिंग चल रही है मेरी विलेज को रेड करने की? हाँ ये तो अच्छे बच्चे हैं वैसे, ये कुछ नहीं करते। ओ हो, नई चीज है, आई लाइक इट, यस। अब हम अपने घर को थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं आई थिंक। जब भी कोई नई चीज मिलती है ना भाई साहब, अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है। सॉरी सर, आप मेरे पास क्या कर रहे हो यहाँ पे? थोड़ा दूर जाओ आप, आपको दिख नहीं रहा मैं खुदाई कर रहा हूँ। क्या आप ये कहना चाहते हो मैं आपके वर्ल्ड लग जाती उसके अभी तबाही मचाए थे वो मेरे अंदर? सर आप मेरे से थोड़ा दूर हो जाओ, गलती से आपके लग गई ना, आप बसड़ सी मचा दोगे मेरे अंदर और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता। भाई सब चोखा माल पानी लेके जाऊंगा मैं यहाँ से, अपनी इन्वेंटरी खाली सी करके आया हूँ थोड़ी सी पहली बार। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं मिथपेट की। गाइस ये भी बहुत अच्छे वाले यूट्यूबर है एंड गाइस इनकी भी माइनक्राफ्ट सीरीज बहुत ओपी तरीके से जा रही है। एंड गाइस इनने भी मतलब नेदर पोर्टल बना लिया था एंड गाइस ये भी मस्त वाले है ना नेदर पोर्टल में गए थे। तो देखते हैं इनका रिएक्शन क्या होता है गाइस। एंड अगर गाइस मिथपेट के अगर आप फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को भी लाइक मार देना एंड नीचे कमेंट में लिखना #mithpet। गाइस हम लोग स्वॉर्ड के साथ अंदर घुसने वाले है, 1 2 3 भगवान मेरा ख्याल रखना। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं नेदर के अंदर।
ओके ये आवाज, ये साउंड और ये जो म्यूजिक है वो बहुत क्रीपी है। बाप रे, ये इधर एक बच्चा रो रहा है। अभी अभी मुझे बच्चे की आवाज आई। व्हाट, मैं आते ही इधर कोई तो बच्चा रो रहा है, मुझे बच्चे को बचाने का है क्या? यहाँ पर आग क्यों जल रही है इतनी? ये क्या चीज है? इसको तोड़ के देखता हूँ मैं। क्या मिला हमें? नेदर क्वार्ट्ज। अच्छा ये क्या है देखना पड़ेगा बाद में। ये जगह बहुत स्केरी लग रही है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर मुझे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बहुत क्रीपी है। मुझे नहीं लगता कि मैं इधर से जिंदा वापस जाने वाला हूँ। ये सब जो चीज है वो पक्का गायब होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं। क्या है वो? पिंक, हाफ पिंक और हाफ जॉम्बी। ये इससे दूर ही रहता हूँ मैं। इसको मारने के लिए मेरे पास शक्ति भी नहीं है। वैसे ये इतने पास आ गए हैं मेरे, लेकिन मुझे अटैक नहीं कर रहे। हेलो सर, सर आप एक आंख से देख रहे हैं मुझे। सर सर सुनो, आप अच्छे हो ना? हेलो, ये मुझे मारता नहीं है। वो नाइस यार, मुझे इसकी स्वॉर्ड एक्चुअली बहुत पसंद आई, गोल्डन स्वॉर्ड है इसकी, मैं चुरा। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं टेक्नो गेमर की। गाइस ये भी बहुत अच्छे वाले यूट्यूबर है, एंड गाइस इनकी भी मतलब की माइनक्राफ्ट की सीरीज बहुत ज्यादा ओपी लेवल तक जा रही है। एंड गाइस जो भी माइनक्राफ्ट की इनकी सीरीज देखता तो नीचे कमेंट में बताओ गाइस। एंड गाइस अगर आप टेक्नो गेमर के फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड इस वीडियो को लाइक मार दो, एंड नीचे कमेंट में लिखना #टेक्नोगेमर। चलिए देखते हैं फटाफट से इनका रिएक्शन क्या होता है। इसके अंदर ना काफी अजीब सा साउंड आता है, तो वो डरावना सा है। तो ये देखो भाई, वर्ल्ड जो है हमारा चेंज हो रहा है और हम लोग अपनी दूसरी दुनिया में पहुंचने वाले हैं। भाई साहब आ गए क्या हम लोग? आगे जाऊं मैं? एक सेकंड भाई, ये क्या है? ओ भाई, ये हम लोग कहाँ पर आ गए? अबे अभी तो भाई, ये रो कौन रहा है? अबे ये कोई तो रो रहा है। ओ भाई ये ऑक्टोपस है क्या है? अबे ये हम लोग कहाँ आ गए? शिट भाई ये तो बहुत खतरनाक है, और मुझे पता क्या लग रहा है कि ये लोग मेरे को मारेंगे। और जो मेरा वापसी का घर का रास्ता है ना वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं। अबे भाई कोई तो रो रहा है भाई, कोई ना बच्चों जैसी रोने की आवाज़ निकाल रहा है। ये देखो भाई ये कैसी कैसी से आवाज़ आ रही है भाई। ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई? देखो भाई नेदर पोर्टल में ना काफ़ी ज़्यादा डरावनी डरावनी सी आवाज़ें आ रही हैं, और यहाँ पर जो मेरे को हेडफोन में एक्सपीरियंस हो रहा है ना इन आवाज़ों का पूछो मत। यहाँ पर ना कोई बच्चों की तरह रो रहा है, जैसे कोई डोल नहीं रोती कुछ उस टाइप से मेरे पास। ओ भाई ये, ओबे ये क्या था? ओ भाई साहब ये क्या उगल रहा है अपने मुंह से? भाई इनसे दूर हो जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो गाइस यार अभी ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार कहाँ पर जाना चाहिए। नेदर पोर्टल में ना गाइस यार काफ़ी सारा लावा है भाई, मेरे को तो देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखो नीचे की तरफ में देखो, पूरी की पूरी ना लावा की नदी बह रही है, और ये शायद से ना जैसे पाताल लोक नहीं होता कुछ उस टाइप का ही यहाँ पर ये लग रहा है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए। और बाकी ना नीचे की तरफ में देखो एकदम पूरा खुला एरिया भाई, एकदम पूरा ग्राउंड है, और यहाँ पर इसने आग लगा रखी है। मैं इससे जल सकता हूँ पता बहुत ही बुरी तरह। लेकिन यार एक दिक्कत की बात है, मैं कहीं पर भी देख रहा हूं ना तो बस हर जगह आग और लावा यही है। एक ओ तेरी आजी कितना जी, ओ स्क्वायर, अरे सॉरी, ओ तेरी इसकी प्रॉब्लम क्या है? मैं अपनी बो भी नहीं लाया, देख अगर तूने, ओ तेरी मरा 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 मरा, सॉरी 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 सॉरी। ये बनी हॉपिंग, जो भी बनी हॉपिंग करता है उसे ये लोग कुछ नहीं कह सकते, राइट? बेस्ती आजा बेटा, आजा, तू कहाँ है ओए उड़ने वाले स्क्वायर? इधर आ, तेरी फायर। ओए बच गया, व्हाट द हेल, फायर क्या हो रहा है ये? फायर मैं भाई इतना बेकार हूँ, छी छी मेरी तीनों एरो मिस हो गई, मेरी कब्र यहीं खोद दो बस, मैं तो यहीं जा रहा हूँ नीचे, मेरे को यहीं दफना दो बस, यहाँ प्लीज बंद कर दो मुझे, मार दो मुझे यहीं, मेरे बस की ना कुछ करना इस जिंदगी में। मैं इधर क्यों आया हूँ? आय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, अरे यार नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ऑक्टोपस, मैं बंद कर रहा हूँ सब कुछ। बाप रे मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट है, क्या चालू है? ये जो फोर्ट्रेस के अंदर में आ गया हूँ, ये सेफ है कि नहीं? लेफ्ट में वो है क्या? नहीं है ना, वो नहीं दिख रही। यहाँ से जाते हम लोग, वो ऑक्टोपस वापस ना दिख जाए। हम लोग उसके नीचे से स्लोली स्लोली जाते हैं। यहाँ पर और कौन से मॉन्स्टर्स हो सकते हैं नेदर के अंदर? एक ऑक्टोपस होता है उससे तो हम लोग मिले, और बापरे ये क्या मिल गया नीचे हमें? सोल सैंड, अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली यहाँ पर मैग्मा भी है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ क्या? मैग्मा को मैग्मा पे खड़ा रह सकता हूँ क्या? ओ नहीं नहीं खड़ा रह सकता, मैं मैग्मा को भी लेके जाता हूँ, लेकिन थोड़ा ही लेके जाता हूँ फिलहाल के लिए। हम लोग अभी पिकनिक पे नहीं आए हैं, हम लोग मौत से खेल रहे हैं, इसलिए थोड़ा आराम से। यहाँ पर नीचे लावा है, आराम से जलना नहीं है लावा में। आओ, आओ, आओ। ये पता नहीं अलग ही ज़ोंबी, और ये इसका छोटा सा बेटा, ओ भाई मार रहा है तो तेरी ऐसी, ओ भाई इसका बेटा भी मार रहा है। अबे मेरी हेल्थ नहीं है इतनी भाई, इसके अंदर तो बहुत जान है भाई। अबे ये क्या है? एक मिनट, अबे क्या चीज है ये? एक मिनट रुक जा भाई, लावा में गिर जाऊंगा, अबे भाई साहब भागो भागो भागो। मार दिया क्या भाई? मार दिया।